इसकी अवधि और उम्र की जिंदगी का नियम, और जो इस हिदायत से महरूम रह गया उसकी अवधि और उम्र की जिंदगी हमेशा हमेशा की हवा पड़ता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले जितने अंबिया किराम दुनिया में आए हर एक ने पूरी कोशिश की कि वो अपनी अपनी उम्मतों को नेमत हिदायत से सरफराज कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचा से हम बड़ी मोहब्बत करते हैं और चाचा भी आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। जब बिस्तर मारे पर पड़े और बीमारी में मुबतला हुए जिससे उठ नहीं सके, लोग आते रहे मिलकर जाते रहे, आपकी तशरीफ लाए बैठ गए, आपने फरमाया चचा मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहा बोल। पहले वो हदीस देखे, हदीस सर बार अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु लका बिहा यौम अल-क़ियामा قال لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزر لاخر قريش فانزل الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء رواه مسلم كتاب الايمان حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو سے کتاب الايمان میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن اس لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے لوگوں ताकि मेरे बच्चे मुझे ना पसंद मगर आ पसंद और अपने बाप दादा की दिल में मर गए। आपने ये देखा कि मेरा चचा जिससे मैं बड़ी मोहब्बत करता था वो चचा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, अपने बाप दादा की दिल में मर गया, हिदायत नहीं तो आपको बड़ा अफसोस हुआ, बड़े दिलगी हुए, आपकी तसली किया कि कहीं मना सुन जो सुगर पसंद है। मैंने फरमाया इन नकला तहदी मन अहबत तवला की नमाज है, आप जिससे मोहब्बत करें जिसको पसंद करें आपसे हिदायत नहीं देख रहे हैं आप। हिदायत एक ऐसी चीज है कि नबी भी अपने चचा को नहीं दे सकते, ये खास अल्लाह की तौफीक होती है जिसको ये नेमत मिल जाए, और नेमत मिल जाने के बाद अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान कि उसे जिंदगी भर नेमत हिदायत करता है। तो ये तो सवाल करते हैं कि मुसलमान हर नमाज में इहदिनस सिराते मुस्तकीम इहदिनस सिराते मुस्तकीम, क्या उन्हें अभी सिराते मुस्तकीम की हिदायत नहीं मिली? मिली, ये बार बार क्यों पढ़वाया जा रहा है? तुमने मुझे इसकी वजह से बुरा क्यों कहा? फतमा वही नहीं ला उदन न हम सहा तक मुस्तकी, मैं तेरे सिरात मुस्तकी क्यों के बैठ जाऊंगा? सिरात मुस्तकी पर बैठा हुआ, मैं तेरे सिरात मुस्तकी पर बैठ जाऊंगा। बैठा हुआ नहीं, खड़ा हुआ नहीं, आप उदन मैं बैठ जाऊं, ये रास्ता सीधा जन्नत की तरफ जाएगा। यही मसला के सुन्नत, यही मसला के हिदायत, यही सिरात मुस्तकीम जो जन्नत के दरवाजे तक जाता है। इसी रास्ते के ऊपर शैतान बैठ गया। अब जो भी हिदायत की इस राह के ऊपर चलता है जिंदगी भर उसकी कोशिश यही होती है कि मैं किसी तरीके से इस रास्ते पर से इस पर चलने वाले दूंगा। अल्लाह के सामने इसने यही दावा किया, तुम मलाहात ये नौ मिन बैयेगी वो मिन खल्फी मान ऐमानी मान शमाई मला तजिदो सरम शकीन, मैं इसके आगे से आऊंगा इस रास्ते पर चलने वाले, पीछे से आऊंगा दाएं से आऊंगा बाएं से आऊंगा, और मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि मैं उस रास्ते पर चलने वाले को अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न रहने दूं। अपन उसी रास्ते पर बैठा हुआ है तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक वो उसी रास्ते पर बैठा हुआ है, तो मदद तो अल्लाह तबारक व तआला की हर घड़ी मांगती है कि अल्लाह इस रास्ते की तौफीक तो कोने दे दी, हम इस रास्ते पर चल ही रहे हैं तौफीक दे कि शैतान का हरबा हमारे
ఎక్కడ శ్రాత పుస్తకి వెంట శ్రాత పుస్తకి వెంట శ్రాత పుస్తకి మోషన మార్గంలో పడితే ఇసి వజసే ఈ ఓ ఇస్ రాస్తే కూడా పెడవాలి లా ఉదంతన శ్రాత కలుస్తాను तो ये नेमत जिसको मिल गई उसकी उखरवी और अल्लाह तबारक ने अपनी इस नेमत हिदायत को देने के लिए अपने बंदों को तो जरा इस्तेमाल करो ये नेमत और इस नेमत को देने के लिए अल्लाह तबारक ने दो जरिए इस्तेमाल करवाए। पहले देखो पहला इंसान बजाय इसके कि उतर पहुंचे नबी को खुदा समझते हैं।
रसूल को अलग कर लिया जाए, किताब की मिसाल उस कश्ती की जिसका कोई मल्ला नहीं, और रसूल को अगर किताब से अलग कर लिया जाए तो लोग रसूल ही को खुदा समझ बैठेंगे। लिहाजा ये किताब और सुन्नत, कुरान और रसूल दोनों लाजिम मज़मून है। ये वजह है जो मिला था वो नबी देखा गया, तो ये दोनों चीजें मिली, एक चीज नहीं कि मिले एक दे दो, आपको दो चीजें दी गई कि वही दोनों दे करके दलील क्या है इससे बात। وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تركت اني قد تركت فيكم شيئين لن تزيد بعدهما كتاب الله وسنه من يتفرع حتى يندى عليه رواه الحاكم في مستدرك في كتابه حضرت امام الحاكم سنه 55 كتاب الليل كان لا يصدر قال سيدنا ابي هريره حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑ دی دیکھو اگر دونوں چیزیں ملی تھی آپ کو کبھی کو آپ نے چھوڑا اور آپ نے فرمایا لن تزل بعدهما آپ نے فرمایا لن تزل بعدهما قرآن کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے لن تزل بعدهما دونوں کے بعد گمراہ دونوں کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے ایک کو پکڑے رسول کو پکڑیں گے تب گمراہ ہو جاؤ اور خالی کتاب کو پکڑ کے رسول کو ہٹا کر کے تب گمراہ ہو لن تزل بعدهما ان دونوں کے بعد گمراہ نہیں ہوگے اور آپ اس وجہ سے فرمایا دونوں چیزیں کون سی ہیں فرمایا کتاب اللہ پتا ہے کتاب قرآن اور دوسرے سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فرمایا گیا بلے یہ تفرقا دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے فرق نہیں ہو سکتا دونوں میں بلے یہ تفرقا دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ملے رہیں گے حتی یہ نہ رہے ہو یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں گے پتہ یہ چلا کہ کتاب اور سنت قرآن اور رسول دونوں لازم و مذموم ہیں ایک کو دوسرے سے الگ کر کے آدمی چاہے اسے ہدایت مل جائے ہدایت تو ملنے سے رہی صرف اور صرف اسے ضلالت میں ہی گمراہ لے گا گمراہ ہو جائے گا رسول کافی نہیں اور صرف کتاب کافی نہیں کتاب اور رسول دونوں مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہدایت اور اللہ نے اپنی یہ نعمت ہدایت دینے کے لیے یہی تو ذریعہ استعمال فرمایا کتاب اور رسول آخر میں قرآن اور جناب محمد رسول اللہ دلیل میں شکایت نہیں ہوتی اللہ نے ارشاد فرمایا الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويرونهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به بعصروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون پوری آیت ترجمہ دیکھیں جو لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں الذين يتبعون الرسول جو لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں اور رسول کیسا الامی جس نے کہیں پڑھا نہیں دیکھو جاہل میں اور امی میں فرق ہوتا ہے جاہل کا مطلب امی نہیں ہوتا ہاں کہنا بھی نہیں ایسا ہمارے نبی امی تھے جاہل نہیں اللہ بولا ہی نہیں جا سکتا نبی کے اوپر جاہل کہتے حق کو حق سمجھتے ہوئے حق کو نہ مانے اس کو کہتے جاہل چار کے دو ٹکڑے ہو گئے ابو جہل نہیں مانا نام ہو گیا ابو جہل لقب مل گیا ابو جہل جہالت کا باپ نہیں حق کو حق جانتے ہوئے حق کو قبول نہ کرنے والا چاہے ہوگا اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قربان کر لیا کہ عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہے پہلی آیت کے اندر اس پر بیان کی گئی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حولا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما جب ان سے جاہل مخاطب ہوں ان سے سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ اس لیے کہ حق کو حق سمجھتے ہوئے اگر آدمی حق کو نہ مانے اس کو جاہل کہا گیا امی کہتے ہیں الذي لا يقرأ ولا يكتب جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے اس کو امی اس کو امی کہتے ہیں الذي لا يقرأ ولا يكتب جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے اور عجیب بات یہ ہے کہ کسی کا لکھا پڑھا نہ ہونا عیب مانا جاتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عیب کمال ہے یہ عیب نہیں آپ کے لیے کمال کیوں
आप लोग पढ़ नहीं सकते कोई किताब हमारा किताब अब इसे पहले भी पढ़ना नहीं आता पढ़ना नहीं आते वाला कहो तू भी यानी और आप अपने दाया से लिख ही नहीं सकते आपको लिखना भी नहीं आता आपको पढ़ना भी नहीं आता इधर ना ताबर तुम चलो अगर ऐसा होगा तब बाकी प्रश्न को शुभ होगा कि तो पढ़ा नहीं जाए खुद बना लिया इसने कोया आपका उम्मी होना आपका अनपढ़ होना पढ़ा लिखा ना होना कुरान के मुनज्जल ने अल्लाह वाले की दलील है अल्लाह ने फरमाया अल्लजीन यतबऊन रसूल النبي उम्मी 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 फरमाया ये अल्लाह तबाराक व तआला के कलाम की ये खुली हुई दलील ये उम्मी इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते हैं पढ़ा लिखा नहीं अल्लजी हजरत दाऊद है वलकद आ
दिया गया, इंजील देरी हुई भद्र गीता इस्लाम को दिया गया, सहीफा देरा हुआ भद्र की बहन इस्लाम को दिया गया, तौरात देरी हुई भद्र ते मूसा इस्लाम, कुरान देरा हुआ तो आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम किताब कभी रसूल जलत नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई फरिश्ता किताब ला करके किसी पहाड़ के ऊपर रख गया और ऐलान कर दिया कि बस्ती वालों अल्लाह की तरफ से एक किताब आ गई है, अब जाकर उस पहाड़ पर से वो किताब ले लो और जिस तरीके से चाहो उसको समझो, जिस तरीके से चाहो उसके ऊपर अमल करो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हर किताब के साथ रसूल का भेजा जाना इस बात की खुली हुई दलील है कि अगर किताब मतन है तो रसूल उसकी तफसीर है, किताब अगर टेक्स्ट है तो रसूल उसकी वजाहत है, किताब अगर खाका है तो खाके के अंदर रंग भरने वाली चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल का, दोनों के एक दूसरे के बगैर मोहम्मद के अगर ऐसा होता तो कभी तो ऐसा होता कि किताब किसी पहाड़ को नाजिल कर दी जाती कोई दूसरा रसूल ना होता, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस जबान के अंदर किताब नाजिल की जाती है, जिस जबान के लोग होते, जिस जबान के अंदर रसूल जबान देकर के भेजा जाता है, जिस रसूल की जबान इसके बावजूद किताब के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको जबान के जानने वाले नहीं समझ पाते, और अगर बात को समझ ले तो उस पर अमल करके नहीं बता सकते, ये अमल कैसे किया जाए, अमल कैसे किया जाए। एक आदमी नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं उसको नमाज पढ़ रहा है, बोला क्या कर रहे थे, नमाज पढ़ रहा था, बोले जब फसल पहले नमाज पढ़ जाओ लौटो नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, फिर वो पढ़ के लिए आया, अब फिर भाई जब फसल पहले नमाज पढ़ जाओ, नमाज पढ़ रहा है। अगर सिर्फ नमाज पढ़ना काफी होता कि भाई जिस तरीके से जाओ पढ़ लो, तो ये बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी को नमाज पढ़ने के लिए क्यों लौटाते, अगर जिस तरीके से चाहो नमाज पढ़ लो और नमाज हो जाती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उसको नमाज पढ़ने के लिए क्यों कहते, इसका मतलब आदमी अपने तरीके से अगर इबादत अदा कर रहा है तो वो इबादत नहीं बन जाएगी, जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का तरीका बताया है अगर उस तरीके के मुताबिक इबादत अदा करता है तो वो इबादत बारगाह इलाही में मकबूल है, वरना अपनी तरफ से अगर कोई आदमी इबादत का तरीका बना ले तो वो इबादत बारगाह इलाही में मकबूल है। ये तो कबूल है, अगर उसकी बरात के लिए हजरत अबू ज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत की पेश नज़र रख लें, इंतकाल हो गया है, हजरत अबू ज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आदमी को देखा कि वो नमाज पढ़ रहा है लेकिन ला युकीमु रुकू व ला सुजूद, गड़बड़ी सिर्फ ये थी कि वो रुकू और सजदे बराबर नहीं करा, ला युकीमु रुकू व ला सुजूद, रुकू और सजदे बराबर नहीं करा, फरमा बाबा सलाम कार लो सुदे पर, जब वो नमाज मुकम्मल कर चुका तो हजरत हुज़ैफा ने उसको बुलाया और कहा कि हजरत क्या कर रहे थे, हम कहा कि मैं नमाज पढ़ रहा था, कहा कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, मा सल्लैता तुमने नमाज नहीं पढ़ी, और आपने फरमाया रहा से और लोग तबुद्दा रहे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू इसी तरीके से नमाज पढ़ते हो तो तेरी मौत हमसे को सुन्नत रसूल पर होगी। देखिए सहाबे किराम रसूलुल्लाह तआला अलैहि वसल्लम का क्या कहते थे कि आदमी जिस तरीके से चाहे अमल कर ले ये अल्लाह के दरबार में कबूल होने की दलील नहीं, बल्कि अमल जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके बताए उसी तरीके पर किया गया अमल अल्लाह तआला के दरबार में। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम किताब देख करके किताब पढ़ करके जिस तरीके से चाहे अमल कर ले, अरे वो अमल करने के लिए अगर कह रहा है तो तुम्हारे ऊपर क्यों छोड़ेगा कि जिस तरीके से जाओ अमल करो, वो एक अमल बता रहा है तो उसको जिस अंदाज से अमल पसंद होगा वो अंदाज ही बताएगा, ऐसे नहीं छोड़ देगा हुक्म दे करके कि जिस तरीके से जाओ उसकी इबादत के साथ करो, बल्कि हुक्म देने के बाद वो बताएगा कि इस तरीके से ये इबादत करो तो हम कबूल करेंगे वरना नहीं। इसी वजह से अगर फेरी है किताब तो रसूल इसकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस फेरी से है
कराई है, सिर्फ किताबें ही पढ़ा दी है। बताइए इसको अगर ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में खड़ा कर दिया, मरीज जान ले लेगा, मार डालेगा। अब मुझे कहे मैंने थ्योरी पढ़ ली है, ऑपरेशन कैसे किया जाता है ये भी मैंने पढ़ा है, सारी चीजें मुझे मालूम, थ्योरी पूरी की पूरी मुझे आती है, लेकिन चूंकि उसने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, उसको अगर थ्योरी पढ़ा करके ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन टेबल के ऊपर खड़ा कर दिया जाए, किसी मरीज को ऑपरेशन करने के लिए मरीज को मार डालेगा और हराम किया जाता है। थ्योरी काफी नहीं है जब तक प्रैक्टिस ना हो। तो अगर कुरान थ्योरी पेश करता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी प्रैक्टिस पेश करते हैं कि कलाम इलाही का मतलब है, इस आयत करीमा का ये मफहूम है, इस आयत करीमा का ये मफहूम अमल का क्या मतलब। इसी वजह से सालिम बिन हिशाम जो ताबई है वो कहते हैं कि मैं हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में आया और मैंने पूछा उम्मुल मोमिनीन एक सवाल करना है, पूछो। कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, वो पूछ रहे हैं। वो पूछ रही है अमा करा कर कुरान, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान तो पढ़ा है। तो हजरत आयशा फरमाई कान खुलुकुल कुरान, आपके अखलाक मुकम्मल कुरान। ये हदीस बता रही है कि पूरे कुरान हकीम जो थ्योरी थी आपने उस पर अमल करके बता दिया ताकि उम्मत को मालूम हो जाए कि कुरान हकीम की इस थ्योरी के ऊपर अमल कैसे होता है। बताइए थ्योरी अपने प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस अपनी थ्योरी से अलग कैसे हो सकती है। अगर कोई आदमी कहे कि मैं थ्योरी से सारा काम चला दूंगा सिवाय परेशान होने के और कोई चीज उसके हिस्से में नहीं, सिर्फ परेशान होगा, सिर्फ परेशान और कोई चीज जानते नहीं। ज्यादा जो मैंने दावा किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत हिदायत देने के लिए अपने बंदों को दो तरीके इस्तेमाल करना है, एक अलविदा और एक रसूल, दोनों लाजम मंजूम है और दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा एक चीज और भी याद रखें, बाज चीजें होती हैं अकल में नहीं आती, बाजों के कहते हैं कि ये चीज हमारी अकल में नहीं आई। अभी मुझे पूछ लीजिए जो ये दावा है कि भाई आप वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अजय पूछे नमाज पढ़ते हैं, नमाज से पहले वजू करते हैं, वजू करते क्यों, वजू करते हैं, वजू के बगैर नमाज नहीं होगी, बोले नहीं वजू पहले नमाज नहीं। तो मैं ये कहूंगा मेरी अब तो ये नहीं आता कि हवा कहां से खारिज हुई और फुलाया कहां जाता है, अकल में आती है बात। अरे जहां से आदमी बेवजू हुआ है अकल ये कहती है सिर्फ उसी को धो दिया जाए, वजू मुकम्मल हो गया, लेकिन उसको छोड़ करके दूसरी जगहों को धुलने के लिए कहा जा रहा है ये अकल में आने वाली बात है। तो मुझे बताए अकल अकल का हवाला देने वाले ये बताए मुझे। मैं यही सिलसिला करूंगा कि आप नमाज पढ़ते हैं, दो वक्त की पढ़ो या तीन वक्त की पढ़ो या चार वक्त की पढ़ो या पांच वक्त की पढ़ो, बहुत सारे इतना मतलब मुंगरी नहीं जिसमें बहुत सारे इतना कोई तीन कहता है कोई चार पढ़ता है कोई पांच पढ़ता है छह भी पढ़े। उनसे पूछा ये जाए कि आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं, अच्छा उसके लिए वजू करना, वजू भी मानते, तो भाई आप हदीसों को क्यों नहीं मानते, अकल में कुछ हदीसें नहीं आती। अच्छा ये तो नमाज के लिए आप वजू कर रहे हैं ये वजू ही नहीं समझ में नहीं आ रही है, ये अकल के खिलाफ है। इसलिए कि जिस जगह से वजू शिकस्त हुआ है उसको धोने के बजाय दूसरी जगह धुलाना ये अकल में कहां आने वाली बात है, आप इसको कहां तस्लीम कर दिए, ये भी तो अकल के खिलाफ है। और यही सवाल एक ताबईया हजरत मुआज़ा मुस्लिम किताब हैज के अंदर वो रिवायत मौजूद है, हजरत मुआज़ा आती हैं और कहती हैं उम्मुल मोमिनीन एक सवाल करना है, जो सवाल है मा बारुल हाइबी
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وجہ بتائیے ام المومنین کی حائدہ عورت روزوں کی قضا کرے گی مگر نماز کی قضا نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز سب سے بڑی بات ہے, روزہ تو کئی نمبروں کے بعد, توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز. عجیب بات ہے, اگر ایک عورت کو مینسیز پیریڈ آتا ہے 7 دن, تو 7 دن نماز نہیں پڑھے گی. اب 7 بچے 35 وقت کی نمازیں اس کو قضا کرنی چاہیے, لیکن معاف کر دیجیے نماز نہیں قضا کرے. لیکن اگر رمضان کے مہینے میں اسے 7 دن یہ پیریڈ آیا تو 7 روزے اس کو چھوڑنے پڑیں گے, لیکن بعد رمضان ان 7 روزوں کی قضا کرنی پڑے گی. اب عقل یہ دفعہ مانتی ہے کہ بھائی جو سب سے بڑی عبادت ہے اس کی تو قضا نہ کرائی جائے, اور اس سے چھوٹی قسم کی عبادت جو 7 گھنٹے کمانی ہے اس کی قضا کرائی جائے. کوئی سوال کر رہی ہے نظر پاؤں وہ بھی اسی دن سے گائے نا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہی ہیں ماں بار آئی بھی تقوی سو بولا تفسا. عمر مبین یہ بتائیں کہ عورت قضا کرے گی روزوں کی مگر قضا نہیں کرے گی نماز. کیا بجے ماں بار بجے گا ہے. اب ایک سوال کرتی ہوں, احرویت الارتی تو حروری ہے, یہ حروری جو ہوتے تھے خوارج ہوتے, اور خوارج کا کام یہ تھا ہر بات کو وہ عقل کے پیمانے پر تولتے تھے, عقل میں جو بات آئی اس کو لے لیتے تھے, جو بات عقل کے خلاف ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے. یہ خوارج کا منہج تھا, خوارج کا منہج یہی تھا, جو باتیں عقل میں آتی تھی, جو بات حدیث کی سمجھ میں آتی تھی ان کے عقل کے پیمانے پر پوری اترتی اس کو لے لیتے تھے, جو عقل کے پیمانے پر پوری نہیں اترتی اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو وہی پوچھ رہے احروریت انتے, کیا تو حروری ہے خارجی عورت ہے تو؟ کہنے نہیں میں حروری نہیں ہوں, بڑا جتنی آسان میں سے پوچھ رہی ہوں, میں صرف پوچھ رہی ہوں. اب دیکھیں حضرت عائشہ کیا جواب دے رہی, ہم کو نبی کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, یعنی کبھی روزے کے دوران پیریڈ آ جاتا تھا, کبھی نماز کے دوران آ جاتا تھا, تو ہم فرمومروں کے قضائی سوم ولا نومروں کے قضائی سرا, ہم کو روزوں کے پورا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا مگر نمازوں کی قضا کا حکم نہیں کیا جاتا تھا. اصل کیا کہہ رہا, نبی کا حکم کہہ رہا, اور اصل نبی کا حکم ہے نہ کہ عقل. عقل تو یہ کہتی ہے کہ نماز کی قضا کرائی جائے روزوں کو معاف کر دیا جائے, یہاں روزوں کی قضا کرائی جا رہی ہے نماز کو معاف کر دیا جا رہا ہے, عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. اور حضرت عائشہ سے یہ جواب دے رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی حکم تھا, لہذا جیسا نبی کا حکم ہو تو کام مان لیا جائے, چاہے عقل کے پیمانے پر آئے یا نہ آئے. یہ صدیق کائنات کا عقیدہ کہ نبی کی طرف سے کوئی بات آئے چاہے وہ عقل کے پیمانے پر پوری اترے یا نہ اترے, اس پر سر تسلیم ہم کر کے جائے. یہ صحابہ کا عقیدہ, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا منہج. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے, دو چیزیں ہیں, پہلے لگے حدیث ہے دور کا مناسب, ایک صاحب پہلے لگے فیمر رمضان والکشف عن المنا, فیمر رمضان والکشف عن المنا کی وقد أتى الله الإسلام ونفى الكفر ما له. ضابطہ یہ شریعت کا کہ آدمی جب حج کرنے کے لیے جائے اور جب طواف کرے تو 7 جو اشواط ہوتے ہیں, 7 جو چکر ہوتے ہیں, پہلے تین چکروں کے اندر موڑے کو کھلا رکھے اور اکڑ کر چلے, تھوڑا اکڑ کر چلنا رم گیا, اکڑ کر چلے کندھا کھول کر. اس کی ایک علت خاص کی وجہ تھی, کیا جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے اور اس کے بعد حج کرنے کے لیے بہت دنوں کے بعد آئے, تو آپ کے کانوں پہ یہ بات آئی کہ
मक्का वाले ये कह रहे हैं कि यहां इस्लाम से पहले मुसलमानों ने जो अपनी जान बना रखी थी मदीना जाकर के ना ढीले डाले हो गए, वो ताकत नहीं रही उनके अंदर, वो जोश और जज्बा नहीं रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जरा तवाफ करते वक्त जरा मीना वगैरह निकाल करके दिखा दो इनको कि मदीना जाने के बाद भी अब भी हमारे जोश और खरोश के अंदर कोई कमी नहीं हुई है, दिखाओ। और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मीना तक पहुंचे, सहाबा भी चले गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया से तशरीफ ले गए, इल्लत भी खत्म हो गई। अब भी हम लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये सवाल हजरत उमर से किया गया, ये सवाल हजरत उमर से किया गया था, इल्लत तो खत्म हो गई है, इसलिए कि अब पूरा मक्का इस्लाम ला चुका है, कोई एतराज करने वाला नहीं है, वो रहमत करें या ना करें, उसकी एक इल्लत थी, उसकी एक वजह थी, रीजन। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया इसके बावजूद कुन्ना ला नदउ शैअन कुन्ना नफअलु ला नदउ शैअन कुन्ना नफअलु वला आदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो कुछ होता था अगरचे उसकी इल्लत थी, एक इल्लत खत्म हो जाने के बाद भी उस चीज को नहीं छोड़े। देखिए इल्लत नहीं है, अरे भाई इल्लत होती तब तो दिमाग काम करता, तब तो अक्ल के मुताबिक थी बात, चलो भाई एक इल्लत मौजूद है, इल्लत खत्म हुई काम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन हजरत उमर ये कह रहे हैं कि नबी ने उसको खत्म नहीं किया, लिहाजा कयामत तक तमाम मुसलमान पहले तीन कश्बात के अंदर अमल करते रहेंगे और कश्फ अल मनाकिब होता रहेगा, कब्जे खुल रहे चाहे आखिर में आए या ना। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी एक रिवायत इमाम दाऊद रहमतुल्लाह किताब तहार के अंदर आई रिवायत इस तरह है وعن علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقد رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى ولا بعيد الشفي رواه مسلم في كتاب الطهارة حضرت علي رضي الله تعالى عنه آپ کے دامن کے مقدر وہ کہتے ہیں اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی قیاس کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسا نیچے سے کرایا جاتا اوپر سے نہیں وہ جو میں نے ابھی کہا وضو کہاں سے کرایا جاتا ہے وضو کہاں سے خون کا دھلوایا جاتا ہے وہ بھی بات نہیں آتا کوئی مجھے اسی سوال کا جواب دے دو وضو کرانا ضروری ہے لیکن آخر میں نہیں آ رہا وضو کرانا براہ ریک لایا گیا بولے براہ ریک لایا لایا گیا لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کرنے کا حکم دیا چپ چاپ کرنا کیا علت ہے کیا وجہ ہے ہمیں معلوم نہیں حضرت علی فرماتے ہیں اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی تو موضوع پر مسا نیچے سے ہوتا اوپر سے نہیں اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ اگر آدمی وضو کرنے کے بعد موزہ پہنے وضو کرنے کے بعد یاد رکھو وضو کرنے کے بعد وضو ٹوٹا نہیں ابھی وضو کرنے کے بعد آپ نے موزہ پہن لیا تو اگر آپ مقیم ہیں یعنی گاؤں میں تو ایک دن ایک رات موزے پر مسا کر سکتے ہیں آپ آئیں بقیہ آزاد کر لیں اور دونوں پیروں کے اوپر आपको पैर धोने की जरूरत नहीं। और अगर आप सफर में हैं, वुजू करने के बाद अगर आपने मोजा पहना तो तीन की रात आपके मुंह पर मसा नहीं जाता। सवाल यह है कि गंदगी कहां लगती है? नीचे के ऊपर। गंदगी मोजे के नीचे लगती है, मसा ऊपर से करवाया जाता है। हजरत अली फरमाते हैं मैंने नबी को देखा, वो कतराई पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम सवाला साहब, मैंने देखा कि आप मोजे के ऊपर मसा कर रहे हैं, सवाला साहब खुफ के ऊपर मसा कर रहे हैं, जबकि आप उसके साथ। तो दीन की जो बातें हैं उन्हें अक्ल के पैमाने पर न तोलो। ईमान बिर रसूल का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल जो कहते बिना छुओ जा बिना समझे उस पर सर तस्लीम हम कर दिए। यह है ईमान बिर रसूल। और अगर आदमी यह जज्बा न रखे तो दरहकीकत उसने ईमान के रसूल का मफहूम ही नहीं समझा है। और आपको मालूम है कि ईमान बिल्लाह के साथ ईमान के रसूल किस कदर जरूरी है। अगर ये जज्बा ना हो तो लाज कहे कि मैं रसूल पर ईमान रखता हूं, दरहकीकत वो रसूल पर ईमान नहीं रखता, इसलिए कि ईमान के रसूल का पूरा वो मफहूम है कि रसूल की तरफ से जो कुछ आए मां आता हूं रसूल का वजू व मना हाकुम, ये जो कुछ मैंने बातें कही तरह कभी से आगे कहीं नहीं कर सकते।
तो वही भी मुतलब आप कहेंगे। अच्छा ये कहा जाता है कि नबी से करवा के आप कह दीजिए मैं वही की इत्तबा करता हूं, ठीक है। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, मैं उसी की इत्तबा करता हूं जो मेरे ऊपर वही की जाती है, ठीक है। लेकिन एक वही मांगो जो जिब्राइल लेकर आते हैं, वही पत्रु जिसकी तिलावत होती है, इसके अलावा भी कोई वही मांगोगे कि नहीं मांगोगे? भाई एक टेक्स्ट दे दिया गया, एक वही है, और उसके बाद उसकी शरह के लिए बगैर तिलावत की जाने वाली वही उतरे कुरान हकीम बाहर इसके वजाहत करता है मारकान अली बशरी अल्लुकल्लिमहु वहु इल्ला वहयन और मुन वराए हिजाबिन और युरसिला रसूलन फयुरिल बिहि बायशा, तो रसूल भेजता है और रसूल को वही करता है, बात तो समझ में आ गई। लेकिन वहयन में क्या होता है, वहयन का कई मतलब होता है, इशारा कर दे, दिल में डाल दे, ख्वाब में बता दे। और यहीं पर एक नुक्ता मिला, बाद लोग कहते हैं कि कुरान लिखा जाता था, लिखे जाने की वजह से वो महफूज है, हदीस लिखी नहीं जाती थी इस वजह से गैर महफूज है। मैं ये कहता हूं कि जो चीज महफूज ना हो, जो चीज महफूज ना हो, लफ्जों में ना लिखी गई हो, तो मफहूम के ऊपर अमल नहीं होगा। अब देखिए हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम मफहूम के ऊपर अमल कर रहे हैं, मफहूम के ऊपर, तो कह रहे हैं उनको ख्वाब में दिखाया गया, वो अपने बेटे को जमा कर रहे हैं। देखिए अपने बेटे को जमा कर रहे हैं, लफ्ज है या अमल है? अमल है, लफ्ज नहीं है, अमल है, मफहूम है, महफूज है, लफ्ज नहीं है। और जब बाप से बेदार होते तो अपने बेटे से कहते हैं अन्नी अस्बहु फंसुर माता का अन्नी, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझको ज़बा कर रहा हूं, वहां लफ्ज नहीं है सिर्फ मफहूम है, तो अगर मफहूम खाली हो तो क्या उसको अमल नहीं किया जाएगा? इसी वजह से पता ये चला कि रिवायत बिल माना होता है, रिवायत बिल माना होता है। अगर कोई रिवायत का माना ही बयान कर दे लफ्ज ना हो तब भी चूंकि मफहूम है मफहूम को बराबर होता है कुरान हकीम का। तो ये दलील पेश करना कि हम उन्हीं हदीसों को मानेंगे जो हमारे अक्ल के पैमाने पर उतरती है बिल्कुल गलत है, इसलिए कि कुरान की भी बात बातें हैं, आज से मोबाइल के दौर से पहले नहीं समझ पाए। मसलन अल्लाह ने फरमाया कि सुलेमान अलैहि सलाम के पास हुदूद शहर सभा से खबर लेकर के आता है कि लॉर्ड है जो काफी ऊपर बैठती है उसकी बहुत सूरज की पूजा करती है वगैरह, हजरत सुलेमान अलैहि सलाम खबर भेजते हैं कि तुम लोग वाकई मुस्लिम सरेंडर होकर जा रहे हो, बात चल रही है चल रही है। अचानक हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ये कहते हैं कि कौन है जो मलके बिलकिस को शहर सबा से जल्द लेकर गया है? 1000 किलोमीटर का फासला है, 1500 किलोमीटर फिलिस्तीन से शहर सबा। आप दरबार पर खास होने से पहले ले आऊंगा और मैं इस पर काबिज और अमानत दार हूं, गड़बड़ी नहीं करूंगा, वैसे का वैसा तख्त ले आऊंगा। अच्छा हजरत सुलेमान अलैहि सलाम खामोश, अचानक एक आदमी जिसके पास किताब पड़ी था, قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرف, इससे पहले कि आप पलट सके मैं 1500 किलोमीटर के फासले से वो तख्त आपके पास ले आऊंगा। और देखा फरमा रहा हूं मुस्तकिल तो कर रहा मैं फल रहा हूं, है देखा कि तख्त जो है इतनी देर में पलट पत्ते आकर के दरवाजे खड़ा हो और हारा भी फल रहा हूं, हारा भी फल रहा हूं, जहां बोला जाता
कहां लिखा है? अल्लाह का खास कर्म है। यहाँ तो जिंदगी भर हराम कमाई करके बीवी बनाता है और उसके ऊपर लिख देता है आना मैं बदले लिखने का सुनो डायरी है कोई नहीं होगा तो एक दो बातें मालूम एक तो
लिखना हदीस का साबित हुआ, दूसरे याद करना भी साबित हुआ, तो कुरैश के लोगों ने मना किया, काय को लिखता है, जो सुन लेता लिख लेता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर के तो गुस्से में बोलते हैं, कभी खुशी में बोलते हैं, सब लिख लेता है। सुन सुन करके मैंने
तकरीबन पूरा कुरान याद कर लिया था, हाफिज जिम्मेदार को कुरान कर दिया और उनको इमाम बना दिया गया था। एक बच्चा इमामत करता था, 7-8 साल का बच्चा इमामत करता था। अब अगर कोई पूछे कि भाई आप नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, जमात के साथ नमाज पढ़ते, तो इमाम कितने उम्र का होना चाहिए कुरान साहब को सुनना, कितने उम्र का होना चाहिए कुरान बता पाएगा? यह हदीस बताएगी कि बच्चा कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर कुरान सबसे ज्यादा जानता तो इमाम वही बनेगा। इसलिए कि यह हुक्म आखिर हुक्म तुमने कुरान का तो सबसे ज्यादा कारी हो, वही इमामत करेगा। लिहाजा हजरत अमर बिन सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु को कुरान के सबसे कारी है, सबसे ज्यादा कारी है, वही इमामत करेगा। तो इस सवाल का जवाब भी हदीस से मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। यहां रुक करके एक प्रेस की बात कर रहा, तो अब सबसे बेहतरीन जरिया, सबसे बेहतरीन प्रेस उस वक्त यही था कि नबी से कोई बात सुन लूं और आकर के रास्ते में चलते हुए अपने साथी को बता दिया, अरे नबी ने ये बात। अब एक तो बात उस तक पहुंच गई, वहां से आगे बात पहुंच गई, वहां से आगे बात पहुंच गई। इस तरीके से लोगों तक बातें पहुंचती गई और लोग उस पर अमल करते गए, तो इस तरीके से हदीस महफूज होती गई, हदीस महफूज। अच्छा, पास काम आप अंदर करते थे घर में, तो वहां भी पूछने के लिए लोग पहुंच जाते थे। दलील टकरा रही, तो टकराना सिर्फ नहीं बल्कि टकराने के बाद उसका
सारूक्षण ही नहीं, तकनीक हो सकती है, लेकिन तकनीक हो जाए तो तकनीक का हो सके तो वर्मा से रुझू किया जाए, सीधा साधा तरीका है इनकार कर देना, अकल में अपना पूरा नाम करने की वजह से टकराव देख करके उसका इनकार कर देना, ये एक गलत जज्बा है और एक और एक ये आए और कहा कि नबी करीम उसको नहाते कैसे, नहाते कैसे, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पर्दा खींच दिया और उसके बाद फिर गुस्ल करके बता दिया। अब उस पर एतराज शुरू हो गया, तरह की कब हदीस ऐसी है ये भी, हदीस ऐसी है ही नहीं, उस पर शोर मचाया गया। हुआ ये, हुआ ये, देखिए किसी लफ्ज को जो गैर जबान में अपने जबान में अगर इस्तेमाल करेंगे तो वहां हमारा कुछ होता है, हमारा कुछ होता है। गुस्ल का मतलब होता है नहाना और गुस्ल का मतलब होता है नहाने का पानी। जैसे हदीस में उसे अकले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्लन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रख दिया गया गुस्ल, उसका मतलब पानी। ये देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रख दिया गया, उसे अकले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्लन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रख दिया गया। ये गुस्ल का मतलब गुस्ल का पानी भी होता है और गुस्ल नहीं होता। असल में ये दोनों आए तो इन्होंने कहा कि नहाने में पानी कितना लगता है, वहां बुखारी बाप बात है बाबुल गुस्ल बिसाए बना दो साकितों में ढाई किलो का, ढाई किलो या इतने में गुस्ल हो जाता है। हम ये पूछ रहे हैं उम्मुल मोमिनी ये ढाई किलो में एक साथ में कैसे गुस्ल हो सकता है, कैसे गुस्ल हो सकता है, ये पूछने के लिए वो आए थे। ये नहीं पूछ रहे थे कि नहाती कैसे है आप या नबी ने सोला तो नहाते कैसे थे, वो पूछने ही आए थे कि ये एक साल के अंदर गुस्ल कैसे हो जाए, ढाई किलो पानी में एक आदमी कैसे नहा सकता है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बर्तन मंगवाया, फदान बे एनाइन, आपने बर्तन मंगवाया जिसके अंदर एक सा पानी था, दिखाया कहा कि ये पानी इतना ही ये किलो एक सा है, इतने में नहा सकते हो। उसके बाद आपने पट्टा खींचने चली गई, अरे मैं नहा नहीं जा रही हूं, मैं नहा नहीं जा रही, इसी से मुझे नहाना है, यही बात है। इससे ये कहा निकला उनके सामने नहा नहीं हुए, ये है पूरी हदीस का खुलासा। अगर हदीस पढ़ लीजिए इसमें ना तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने किसी के सामने नहाए है ना कुछ, सिर्फ पूछने के लिए ही आए थे। अरे मामू भाई बाप की बात है, बाप और गुस्ल बिसाए बना हो एक साथ के अंदर गुस्ल, ये कैसे हो सकता है। इमाम बुखारी के बाद ही समझ में आ जाता है कि हमने पूछ रहा है, वो ये पूछने के लिए आए थे कि अल्लाह के रसूल कितने में नहाते हैं, कितने में नहाते थे, कहा कि एक साल या इससे ज्यादा में, एक साल में कैसे नहाते थे, कहा कि पानी, पानी का बर्तन, तो पानी का बर्तन लाया गया और उसके बाद उसके अंदर वो एक सा पानी था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया ये देख रहे हो ये पानी ये एक सा ही है, अपने जाकर नहाने के तुम लोग जाओ। उसके बाद आपने पता खींच दिया और आप नहाने के लिए चले। ये है उस हदीस का खुलासा, बुखारी की उस रिवायत का मतलब ये है और बाकायदा अल्फाज ही यही है। इससे ये निकालना कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने नहाई है, ये तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खुद गंदी तोहमत है और हदीस के अल्फाज और इमाम बुखारी इस तरीके की कोई रिवायत लाई नहीं है और हमने देखा ना हमारा बुखारी में कोई रिवायत है। सही हदीस कभी भी कुरान आयत से नहीं टकराती और एक सही हदीस दूसरी सही हदीस से कभी नहीं टकराती। लिहाजा हमने जो पहली बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपनी नेमतें दी हैं वो दो तरीके से,